नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेश गौतम आज आपके सामने जो मैथ का टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है पॉलीगन, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीगन्स। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे पॉलीगन। तो ये वर्ड आपका दो वर्ड से मिलके बना है, एक है पॉली, दूसरा गन्स। पॉली मीन्स प्लूरल, मोर देन वन, मोर देन टू, ये आपका पॉली में आएगा प्लूरल। और गन्स मीन्स यहाँ पर आर्म्स, साइड से लिया गया है। तो इन दोनों के मिलने से जो पॉलीगन्स बनता है वो क्या है, वो एक प्रकार का फिगर है। और वो फिगर कैसा है, अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर बंद, मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट्स से मिलके बना है। लाइन सेगमेंट्स क्या है, वे जिनके द लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, मतलब उसका स्टार्टिंग का भी एंड पॉइंट होता है और एंड का भी एंड पॉइंट होता है, दोनों तरफ एंड पॉइंट है। तो अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल ये थ्री लाइन सेगमेंट से बना है। एक लाइन सेगमेंट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तीसरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है फोर लाइन सेगमेंट्स का, ये पेंटागन है फाइव लाइन सेगमेंट्स का, क्योंकि फाइव साइड को वाले किसी फिगर को हम पेंटागन बोलते हैं, जो सीधी सिंपल लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मीन्स हेक्सा, हेक्सागन है। और ये जितनी भी छः आपके पास लाइन सेगमेंट्स दिख रही है, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एक ऑक्टागन है, ऑक्टा मीन्स एट, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है पॉलीगन से। और पॉलीगन स्टार्ट होता है ट्राइंगल से, क्यों, क्योंकि टू साइड से आप क्लोज फिगर बना नहीं सकते। कभी टू लाइन सेगमेंट ले लीजिए, क्या आप उन टू लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए जो पॉलीगन स्टार्ट होते हैं वो ट्राइंगल से स्टार्ट होते हैं, ट्राइंगल, फिर उसके बाद फोर साइड का होता है तो क्वाड्रिलेटर, फाइव साइड का होता है तो पेंटागन, सिक्स साइड का होता है हेक्सागन, सेवन साइड्स का होता है तो वो हो जाएगा आपका हेप्टागन, एट साइड वाला ऑक्टागन, नाइन साइड्स का नॉनेगन, और दस साइड वाले का डेकागन बोलते हैं मुझे, ठीक है। तो आपके पास पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन के फॉर्म में आपके सामने आता है। तो आप यहां पर देखेंगे इनमें से अभी तक कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये सारे इरेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, देखें अ पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स इक्वल, कोई एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और अंदर के जो अंदर के सारे एंगल्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। कैसे, देखिए आपने एक ट्राइंगल का नाम सुना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने इस प्रकार से ट्राइंगल देखा है कि उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री। सो ये एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल है, रेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अंदर के सारे एंगल्स इक्वल है। फोर साइड वाला अगर हम बात करें कि एक रेगुलर पॉलीगन में अगर आप फोर साइड वाले पे जाते हैं तो किसी स्क्वायर से बेस्ट एग्जाम्पल है ये। स्क्वायर ऑल साइड्स सारी इक्वल होती है, आप जानते हैं कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हरेक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो रेगुलर पॉलीगन में कौन हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर। ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक हो गया आपके पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इन थ्री साइड के बाद फोर साइड के बाद आता है फाइव साइड का फिगर। फाइव साइड के फिगर में अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए फाइव साइड में जैसे कि ये था, ये भी हमने पेंटागन में वन टू थ्री फोर फाइव, बट रेगुलर पेंटागन अगर आप बनाना लग जाए तो आपके पास कुछ इस प्रकार से फिगर आएगा, ठीक है।
जिसमें इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल जो है वो भी इक्वल होगा और ईच एंगल वैसे 108 डिग्री का आएगा। ठीक है, तो 108 डिग्री का ईच एंगल है इसका और ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जो कहलाएगा, जैसे कि आपको थ्री साइड्स इक्वल थी, तीनों एंगल इक्वल है, फोर साइड्स इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल थे, फाइव साइड्स इक्वल और जो फाइव एंगल्स है वो भी इक्वल है, इसका नाम क्या होगा? वहां तो आपने इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया, वहां स्क्वायर बोल दिया, इसे क्या कहेंगे? ये पेंटागन का पेंटागन ही रहेगा, ये पेंटागन ही रहेगा, बट उसके साथ एक रेगुलर जुड़ जाएगा। ठीक है, आफ्टर फोर साइड जब भी आएगा, चाहे वो फाइव साइड का हो, चाहे सिक्स साइड वाला हो, चाहे सेवन साइड का हो, कुछ भी हो, वो फिर उसी के अकॉर्डिंग नाम जाएगा, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, चाहे वो रेगुलर है चाहे इरेगुलर है, नाम पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसी तरह से आगे जाएगा। बट अगर वो रेगुलर है तो उसके साथ सिर्फ रेगुलर और जुड़ जाएगा, और अगर वो इरेगुलर है तो उसके साथ इरेगुलर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फाइव साइड वाला रेगुलर पेंटागन, अगर सिक्स साइड का, अगर इसके ऑल एंगल भी इक्वल होते, जैसे कि इसकी साइड तो सारी इक्वल दिख रही है बट सारे एंगल्स इक्वल नहीं, अगर इसके अंदर के इंटीरियर के सारे एंगल भी इक्वल होते तो ये होता रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो आपने देखा रेगुलर जो पॉलीगन्स है वो क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स में उसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और अंदर का हर एंगल भी सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक, और तो इरेगुलर पॉलीगन समझ गए होंगे, उसकी साइड इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर के एंगल्स सारे सेम नहीं होते। देखिए आपके सामने कुछ टर्म्स आ गए हैं, जैसे कि साइड्स, वर्टिसेस, डायगोनल्स, एडजेसेंट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिसेस। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले साइड के बारे में, साइड्स क्या है? लाइन सेगमेंट्स, लेकिन कौन सी लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट तो यहाँ पे सारी हैं, ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट है, बी से सी तक है, ए से डी तक भी है, ए से सी तक भी एक लाइन सेगमेंट ही है अगर आप देखेंगे तो, यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट। बट कौन सी वाली लाइन सेगमेंट्स को हम साइड कहेंगे? बाउंड्री वाली, जो बाउंड्री पर है, इन्हें कहेंगे साइड्स। तो आपके पास साइड्स कौन कौन सी आ गई? साइड्स हैं आपके पास यहां पर ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, देख सकते हैं कौन कौन सी है, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, ये पांच लाइन सेगमेंट्स हैं, उनके नाम ये हैं आपके सामने। तो ये पेंटागन के बारे में, तो पेंटागन इसी तरह से हेक्सागन में छह हो जाएंगे, हेप्टागन में सात हो जाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है? अ कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब लाइन सेगमेंट्स बोले, यहां पे देखिए कौन कौन सी लाइन, एक ये रहा, ये रहा, ये लाइन सेगमेंट है सारे के सारे, ये भी लाइन सेगमेंट है, इनका कॉमन पॉइंट, ये जैसे ये इस लाइन सेगमेंट को लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट और एक और लाइन सेगमेंट ये रही, इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है? बी। तो वी बी जो है इन दोनों का वर्टेक्स है, ये बी पॉइंट जो है इन दोनों के लिए वर्टेक्स है। एक वर्टेक्स सिंगुलर, जो सिंगल होता है उसे वर्टेक्स कहते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं तो उन्हें वर्टिसेस कहते हैं, सिंगुलर वाले को वर्टेक्स बोलते हैं, वी ई आर टी ई एक्स, वर्टेक्स सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म है इसका, सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म में वर्टेक्स है और एक से ज्यादा होते हैं तो वर्टिसेस है। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? एक ये पॉइंट वर्टेक्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, तो टोटल मिला के फाइव वर्टिसेस आप यहां देख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जो वर्टिसेस होंगे वो है एक ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई, इस प्रकार से फाइव वर्टिसेस यहां पर है। अब आते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। अब यहां पे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस आ गया, तो डायगोनल को समझने से पहले अब हम जाएंगे सबसे पहले एडजेसेंट वर्टिसेस क्या है। ठीक है, एडजेसेंट, देखिए वर्टिसेस
प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स यानी एक पॉइंट से ज्यादा ये सारे वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट क्या है? द एंड पॉइंट, द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगन। देखिए आपके सामने ये एक पॉलीगन है पेंटागन। साइड जो की जब हम बात कर रहे हैं तो केवल बाउंड्री वाली लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर इसने सिर्फ साइड की बारे में बात बोली है। डायग्राम मतलब अंदर के वाले जो लाइन सेगमेंट है उनके बारे में बात नहीं बोली है। जो आपको यहाँ पे डैश 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 दिखाई दे रहे हैं वो बाउंड्री से अलग है। तो इसने कहा द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड, किसी एक साइड को ले लीजिए, ए बी को लिया हमने, इसके एंड पॉइंट बनेंगे एक पॉइंट ए और एक बी। ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और ये दोनों ही एक ही साइड के एंड पॉइंट हैं। तो ये दोनों वर्टेक्स कहलाएंगे एडजेसेंट वर्टिसेस, एडजेसेंट वर्टिसेस। अब इस लाइन सेगमेंट को देखते हैं ए ई। इस लाइन सेगमेंट में इसका एक एंड पॉइंट ए है और एक ई है, तो ए और ई एडजेसेंट वर्टिसेस। तो आपके पास इसके लिए एडजेसेंट वाले के लिए जो आएगा वो है, एक बन गया ए एंड ई, ये एडजेसेंट है ए के साथ, ए और ई एडजेसेंट है ए के साथ, बी एडजेसेंट है ना, एक लाइन सेगमेंट ये है, तो फिर बी के साथ सी एडजेसेंट है, बी के साथ सी लिख गया, इनके अलावा सी के साथ डी एडजेसेंट है, सी और डी क्योंकि ये भी तो एक लाइन सेगमेंट के ही एंड पॉइंट है, और डी के साथ ई एडजेसेंट है, डी और ई ये भी तो एक ही लाइन सेगमेंट के एडजेसेंट है, मतलब ये एंड पॉइंट्स है, तो ये भी एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस कौन कौन है? ए के लिए कौन एडजेसेंट है? बी, और ए के लिए ई भी है। बट जब हम ए के लिए कोई दूसरा वाला एडजेसेंट बोलेंगे तो केवल कोई एक ही बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे ए बी ई, क्योंकि ए के लिए बी एडजेसेंट है, ए के लिए ई एडजेसेंट है, बट बी के लिए ई एडजेसेंट नहीं है। बी और ई दोनों एडजेसेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों ऑपोजिट कहलाते हैं। ऑपोजिट साइड्स देखिए क्या, ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से हैं, इनको नॉन कोलिनियर भी बोलते हैं, सॉरी इन्हें हम नॉन एडजेसेंट बोलेंगे। एडजेसेंट वही जो एक ही साइड पर हो, और जो एक साइड पर नहीं है एंड पॉइंट्स वो नॉन एडजेसेंट पॉइंट कहलाते हैं। तो अब आते हैं डायगनल्स पे। डायगनल क्या था? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो दो वर्टिसेस को जोड़ेगा, लेकिन कौन कौन से वर्टिसेस? जो एडजेसेंट नहीं है, ए और ई एडजेसेंट है, तो इनको जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो डायगनल नहीं हो सकता। ए और सी एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बाहर की बाउंड्री से वो ए बी और फिर बी सी आया है, तो पॉइंट जो हमारा एक वर्टेक्स है ए और जो वर्टेक्स सी है वो एडजेसेंट नहीं है, और इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं ए सी, ये कहलाएगा डायगनल। तो ए सी डायगनल है, बी ई डायगनल है, ए डी डायगनल है, बी डी डायगनल है, ई सी डायगनल है, क्योंकि ई के साथ तो डी एडजेसेंट में जाता है, और जो एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है वो ये दो हैं। इसके लिए ई के लिए जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं वो कौन है? ई सी और बी। तो इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो डायगनल कहलाएगा। तो डायगनल में, तो डायगनल के बारे में बताता हूं मैं। तो जब डायगनल की बात करेंगे तो आपके पास इसका डायगनल के फॉर्म में आ जाएगा, कौन कौन होंगे डायगनल? ए से सी तक, ए से डी तक, बी से ई तक, और बी से डी तक, ठीक है, सी से ए तक। तो ए सी हम बोल चुके हैं, सी से ई तक। तो इस हिसाब से आपके सामने कितने डायगनल आए? टोटल मिला के 5 डायगनल, 1, 2, 3, 4, 5 डायगनल्स आपके सामने हैं। ये 5 डायगनल्स, और ये डायगनल कौन होते हैं? जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं उनको जॉइन करने वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है ऑपोजिट साइड्स। देखिए पहले अब आते हैं एडजेसेंट साइड पे, क्या होता है एडजेसेंट साइड्स।
एनी टू साइड्स, साइड तो हम बाउंड्री वाली को कहेंगे, ये पहले हमने समझ लिया, एनी टू साइड्स, अब कोई भी दो साइड, कोई भी दो साइड्स इसमें लेंगे, लेकिन एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट, जिनका हर साइड पे, हर 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 साइड पे टू एंड पॉइंट्स हैं, एक ये रहा एंड पॉइंट, एक ये रहा एंड पॉइंट, इस पे भी एक और दो, टू एंड पॉइंट्स हैं, इस पर भी दो एंड पॉइंट है, तो कोई भी दो साइड लीजिए, उनका एक एंड पॉइंट कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सी, हमने सी डी लिया, सी डी और बी सी को लिया, बी सी का एंड पॉइंट बी और सी बनता है, सी डी का एंड पॉइंट सी और डी बनता है, इसका मतलब सी जो है वो इस साइड और इस साइड का कॉमन एंड पॉइंट है। जब एक कॉमन एंड पॉइंट मिल गया और ये दोनों साइड तब कहलाएंगी एडजेसेंट साइड्स, तब ये कहलाती हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स के लिए एक एंड पॉइंट को कॉमन होना है। तो ई अगर एक कॉमन माना गया, एंड पॉइंट ई कॉमन है, तो इससे एक साइड इधर जा रही है, एक इधर, तो ए ई और डी ई ये दोनों ही एडजेसेंट साइड्स हैं। बी अगर कॉमन एंड पॉइंट माना जाए तो ए बी और BC ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। समझ में आ गया? तो एडजेसेंट साइड्स में आपके पास जो आएगा वो आएगा AB के साथ BC, लेकिन कब? जब इसमें B कॉमन पॉइंट लिया गया है, ठीक है। और अगर आप A को कॉमन लेते हैं तो आपके लिए AB के साथ AD बनेगा, क्योंकि उसमें आपने कॉमन लिया A को और इसमें आपने कॉमन लिया था B को। अगर आप C को कॉमन लेते हैं तो C किस किस में आता है? एक BC में आता है और एक CD में आता है। यहां पर आपने C पॉइंट एंड पॉइंट को कॉमन लिया है, ठीक है। इस हिसाब से ये आपके पास आगे एडजेसेंट साइड्स के लिए, ठीक। अब एडजेसेंट साइड्स के बाद आता है ऑपोजिट साइड्स। तो ऑपोजिट साइड्स क्या है? एनी टू साइड्स हैविंग नो कॉमन एंड पॉइंट्स। कोई भी ऐसी दो साइड्स ले लीजिए जिसका कोई एंड पॉइंट कॉमन नहीं है। अब देखिए उसके लिए आप क्या देखेंगे। अब हमने एक लाइन सेगमेंट लिया AE, AE के अंदर एक पॉइंट एंड पॉइंट A आ गया, एक E आ गया। कोई दूसरा एक और एंड पॉइंट, एक और लाइन सेगमेंट लीजिए जिसमें ना तो A आना चाहिए और ना ही E आना चाहिए, तो इसको तो फिर ले ही नहीं सकते कि उसमें तो A था, तो इसे ले सकते हैं। तो ऑपोजिट में हमारे पास आ गया AE एंड BC। AE के लिए BC, क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट A था, एक एंड पॉइंट E था, इसमें B है और एक C है, तो इनमें कोई भी कॉमन एंड पॉइंट तो मिला ही नहीं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपके ऑपोजिट साइड्स कहलाएंगे। और AE के लिए सिर्फ BC ही नहीं है, ध्यान से देखिए, AE के लिए सिर्फ BC नहीं है, AE के लिए CD भी ऑपोजिट ही कहलाएगा, क्योंकि AE में A और E एंड पॉइंट है, तो CD में C और D है, इन दोनों में कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, तो ये भी ऑपोजिट में आ गया, ये भी ऑपोजिट में आ गया। ED के लिए कौन आएगा फिर ऑपोजिट में? ED के लिए वो वाली लाइन सेगमेंट हमें लेनी है, या वो वाली साइड लेनी है जिसमें ना तो E आए और ना ही D आए, तो वो हमारे पास BC है और AB है। तो एक तो हो गया AB, और ED के लिए ही हमारे पास एक और हो जाएगा BC, क्योंकि ED ना इसमें E है ना D है, ED ना इधर E है ना इधर D, E है ना ही D है, तो इस प्रकार का जो पेयर बना है ये ऑपोजिट साइड्स का पेयर है, ठीक। तो आप ये टर्म्स इस वीडियो को आप दोबारा से बैक करके दोबारा से समझिएगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम ज्योमेट्री में अगर इस प्रकार के फिगर्स पे वर्क करते हैं तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। अब देखिए आपके सामने एक टेबल है जिसमें एक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये कुछ फिगर बनाए हैं। सबसे शुरुआत का जो पॉलीगन है, सबसे पहला पॉलीगन ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में हमने जो अभी टेबल बनाया है उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं और नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। पहला सबसे शुरुआत का ट्रायंगल पे बात करते हैं। ट्रायंगल में थ्री साइड्स हैं, थ्री कॉर्नर्स यानी कि थ्री वर्टिसेस हो गए, ठीक। तो डायगोनल कितने हैं? डायगोनल अब इस वर्टेक्स के साथ इस वर्टेक्स को देखेंगे तो एडजेसेंट हो गया, इसके साथ दूसरा वाला भी एडजेसेंट हो गया, तो कोई भी ऐसा तो नॉन एडजेसेंट तो वर्टेक्स इसके अंदर मिलते ही नहीं है,
नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस तो मिले ही नहीं, और जब तक नॉन एडजेसेंट नहीं होंगे तो डायगोनल नहीं बनेगा, इसलिए इसमें डायगोनल नहीं होता, जीरो। क्वाड्रिलेटरल में यहां पर इसके साथ इसका एडजेसेंट ये हो गया, इसके साथ ये एडजेसेंट हो गया, बस इसके साथ ये एडजेसेंट नहीं था, तो यहां से यहां तक एक डायगोनल ये बन गया। सेम इसके साथ ये दोनों तो एडजेसेंट हो जाएंगे, बट ये एडजेसेंट नहीं थे, तो ये डायगोनल यहां बन गया। तो इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल में टू डायगोनल्स बनते हैं। पेंटागन में हमने देखा था फाइव साइड्स हैं, वर्टिसेस भी फाइव हैं, और इसके अंदर जो डायगोनल बने हैं वो भी फाइव ही बने हैं, ठीक। हेक्सागन सिक्स साइड्स का है, सिक्स ही वर्टिसेस हैं, इसके अंदर जो डायगोनल बनेंगे वो नाइन बनेंगे, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको यहां पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। जब यहां से यहां ये बढ़ा, कितना टू प्लस होकर के आया, जीरो में टू प्लस, फिर यहां आया तो कितना आया, टू में थ्री और प्लस हो गया। देन हेक्सागन में जब आपने देखे ना इसके डायगोनल्स काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर डायगोनल्स नाइन होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा फाइव में फोर प्लस हुआ, पैटर्न बनाना टू थ्री फोर, तो नेक्स्ट में क्या जाना है, फाइव प्लस, उससे नेक्स्ट में सिक्स प्लस, उससे नेक्स्ट में सेवन प्लस, उससे भी नेक्स्ट में एट प्लस, ठीक। कैसे हुआ, पेंटागन में फाइव थे, हेक्सागन में नाइन हो गए यानी फोर प्लस, और नाइन में फाइव प्लस करो तो हेप्टागन में कितने हो गए, फोर्टीन। हेप्टागन के अंदर फोर्टीन डायगोनल्स हैं, ऑक्टागन में फोर्टीन में अब सिक्स प्लस करो तो कितना आएगा, ट्वेंटी। तो ऑक्टागन जो बनेगा, ये तो हेप्टागन था, सेवन साइड्स का था, ये ऑक्टागन एट साइड का आएगा। अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे डायगोनल को, जब आप बनाएंगे डायगोनल्स बनाएंगे तो उसमें ट्वेंटी डायगोनल्स बनेंगे, ठीक। नोनेगन की बात करेंगे जिसमें नाइन साइड्स होती हैं, नाइन साइड वाले एक पॉलीगन को जब आप बनाएंगे तो उनके अंदर के डायगोनल्स को जब आप ज्वाइन कराएंगे, मतलब बनाएंगे, तो आपको मिलेंगे उसके अंदर कितने, 27 डायगोनल्स मिलेंगे। सिमिलर उसी प्रकार से आगे जाते रहेंगे तो डेकागन, डेकागन कौन सा है जिसमें 10 साइड्स होती हैं, उसे डेकागन कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं डेकागन, 10 साइड्स वाला, 10 साइड्स वाला, ठीक है, 10 साइड्स होती है उसके अंदर। उसके अंदर अगर अब यहीं से बना लेते हैं, डेकागन में 10 साइड्स, 10 वर्टिसेस, डायगोनल्स कितने होंगे, यहां पर 7 प्लस करके 27 बना था तो 8 प्लस करके कितना बन जाएगा, 35 डायगोनल्स आएंगे उसमें, कितने डायगोनल्स आएंगे, 35 डायगोनल्स, ओके। तो ये कुछ कंसेप्ट थे पॉलीगन के, जो मैं समझता हूं कि आपको आगे आपके लिए जो आप करना चाहते हैं पॉलीगन्स के लिए उसमें आपको काफी बेनिफिट देने वाला है, फायदा देने वाला है। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीगन, तो आई होप आपको इससे बेनिफिट हुआ होगा। आपको अगर ये लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर किसी ने अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो टेक केयर और सही से रहिएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि कोरोना का डेज चल रहे हैं, तो स्टे होम और स्टे सेफ। बाय बाय।